कटोरी चाट आपने बहुत खाई होगी गोलगप्पे वाले भैया की बहुत ही बढ़िया दुकान की, लेकिन आज इन सबसे हटके हम थोड़ा सा अलग एक कटोरी चाट खाएंगे। नहीं नहीं कटोरी चाट नहीं, टोकरी चाट खाएंगे। तो डिलीशियस खाना झटपट बनाना में खाएंगे। तो ये जो टोकरी है ना, ये मैदे की टोकरी नहीं है, ये आटे की टोकरी है, कैलोरी थोड़ी कम है। तो चलिए आज हम झटपट देख लेते हैं टोकरी चाट की बहुत ही बढ़िया और बहुत ही चटाकेदार रेसिपी। आटा लिया हमने 1.5 कप। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, मैदा नहीं हमने लिया है आटा, सूजी लिया है 1/2 कप। लेकिन अगर आप चाहें तो आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। इसमें हम डाल रहे हैं 4 टेबलस्पून ऑयल, थोड़ी सी नमक और 1/2 टेबलस्पून अजवाइन, थोड़ा सा हथेली में क्रश करके अच्छे से हम इसको मोयन दे देते हैं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम एक मीडियम हार्ड डो बनाएंगे। डो थोड़ा कड़ा ही होना चाहिए। आटा गूंथने के बाद इसे हम 20 से 25 मिनट तक रेस्ट करने देते हैं और 20 से 25 मिनट बाद हम इसे एक बार थोड़ा सा और अच्छे से गूंथ लेते हैं। अब इस आटे से हम एक पहले लोई लेंगे। लोई को बेलने के लिए उसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी तेल, उसे रोटी जैसा बेल लेंगे। इसे आप बहुत मोटा मत बेलिए क्योंकि टोकरी चाट बनाएंगे तो दो लेयर्स हो जाएंगी, तो थोड़ा पतला ही रखिए। अगर आप थोड़ा मोटा सा रख देंगे तो ये बहुत हैवी हो जाएगा। तो पहले हम इससे 1 सेंटीमीटर से थोड़ी कम विड्थ वाली कुछ स्ट्रिप्स काट लेते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप इस तरह की और भी रेसिपीज देखना चाहें तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट कर दीजिएगा ताकि आपको पता चले कि मेरा कौन सा नया वीडियो आया है। और इन स्ट्रिप्स को हम रख देंगे। अब हम टोकरी बनाने की तैयारी करते हैं। तो टोकरी बनाने के लिए इतना बड़ा हमने लोई लिया है और उसके बाद इस लोई को हम अच्छे से पहले बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे हमें काटना है, हमें यूनिफॉर्म साइज़ का काटना है। तो आपके पास कोई भी झारा हो, पलटा हो या आप स्केल भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हम पहले इस तरीके से 4 स्ट्रिप्स काट लेंगे, लेकिन बीच का पोर्शन हम जुड़ा रखेंगे। तो ये 4 स्ट्रिप्स काट ली तो ये 4 भागों में बट गया और बीच का पार्ट जुड़ा हुआ है। अब हर भाग में हम 2-2 स्ट्रिप्स और काटेंगे। तो आप देखिए बिल्कुल इस तरीके से, तो टोटल 12 स्ट्रिप्स हमने काट ली हैं। बीच का जो एक्स्ट्रा है उसे हम निकाल देते हैं। अब हमें बनानी है टोकरी। तो टोकरी बनाने के लिए हम एक लेंगे कटोरी, बहुत बड़ा साइज़ का कटोरी मत लीजिए। कटोरी में ऊपर हमने तेल अप्लाई कर दिया है और कटोरी को हम बीचों बीच रख देते हैं। अब ये जो 12 स्ट्रिप्स हैं इसमें से 1 स्ट्रिप हम अंदर की तरफ ले जाएंगे, 1 स्ट्रिप खुली रखेंगे। मतलब ऑल्टरनेट स्ट्रिप को हम कटोरी के ऊपर से ले जा कर अंदर डाल देंगे और ऑल्टरनेट स्ट्रिप बाहर ही रहेगी। शुरू में जो हमने पतली स्ट्रिप्स काट के रखी थी, अब उसमें से हम एक स्ट्रिप लेंगे और उसको इसके चारों तरफ घुमा देंगे। अगर स्ट्रिप लंबाई में कम पड़ जाती है तो 2 स्ट्रिप को आप जोड़ लीजिए। उसके बाद कटोरी के ऊपर जो स्ट्रिप्स हमने अंदर डाली थी उसे हम खोलकर बाहर लाएंगे और जो नीचे खुली हुई थी इसे हम खोलकर अंदर ले जाएंगे। जो पतली स्ट्रिप हमने पहले काट के रखी थी उसे हम फिर से एक बार गोल घुमा देंगे और फिर एक बार बाहर वाली स्ट्रिप अंदर कर देंगे, अंदर वाली स्ट्रिप बाहर कर देंगे और फिर एक पतली स्ट्रिप हम चारों तरफ घुमा देंगे। तो हमने 3 पतली वाली स्ट्रिप्स लगाई हैं। तो बस हमारी टोकरी तैयार हो गई। अब ये सारी स्ट्रिप्स को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे। अब एक पतली स्ट्रिप ऊपर से हम और लगा देंगे जो इसमें सीलिंग का काम करेगी और इसे हम इस तरीके से सील कर देते हैं। तो पूरी टोकरी ये हमारी तैयार हो गई, मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये एक्स्ट्रा जो है ना इसे हमें काट कर निकाल देना है, नहीं तो क्या है कटोरी फ्राई करते समय बाहर नहीं निकलेगी। तो इसे हम काट के बाहर निकाल देते हैं। तो बस बिल्कुल बढ़िया सी तैयार हो गई हमारी टोकरी। एक बनाकर मैं आपको और दिखाती हूँ ताकि अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूरा क्लियर हो जाए। ये आपको बनाते हुए देखने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन जब आप अपने हाथों से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और बहुत आसानी से बन जाएगा। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है ना तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा।
अब हमारी टोकरी तैयार हो गई। मैं यहाँ आपको एक फ्राइड टोकरी और एक कच्ची दोनों टोकरियाँ दिखा रही हूँ। अब इसे हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें मीडियम हॉट ऑयल लेना है। उसमें हमें इसे मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे अच्छा सुनहरे रंग का होते तक फ्राई कर लेना है। और आप देखेंगे कि जैसे ही थोड़ा सिक जाएगा तो कटोरी अपने आप बाहर आ जाएगी। तो कटोरी को आप निकाल दीजिए। और चूंकि हमने ये टोकरी चाट बनाई है ना, तो इस पे तेल अपने से ही अंदर बाहर होता रहेगा, तो ये बहुत आसानी से सिक भी जाता है। तो हमारी टोकरियाँ तैयार हो गई, अब हम चाट बनाते हैं। एक तरीका मैंने आपको शुरू में दिखाया था जिसमें हमने सारी चीज़ों को एक एक करके टोकरी के अंदर जमाया था, लेकिन यहाँ अब मैं आपको एक दूसरा तरीका चाट का दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसमें हम क्या भरेंगे उसे देख लेते हैं। हरी चटनी, इमली की चटनी, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, नींबू, हरी मिर्च, उबले हुए आलू, उबले हुए काबली चने, थोड़ी सी सेव, अनारदाना, और ये कुछ मसाले हैं। चाट मसाला, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च, सादा नमक और थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया की पत्ती, दही। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे और उसे हम टोकरी में भर देंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा मसाला, दही और सारी चटनियाँ थोड़ा थोड़ा और डाल देंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसमें कुछ भी फिलिंग भर सकते हैं, अपनी चॉइस का आप फिलिंग चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मैंने डाला है वो लिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरी इंग्रेडिएंट की लिस्ट मिल जाएगी। सिंपल बट वेरी डिलीशियस। और अगर कुछ आपका आटा बच जाए जो आपका टोकरी बनाने के काम में ना आए, तो उसे आप किसी भी तरह की नमकीन बना के फ्राई करके रख दीजिए। बच्चे हमेशा इसे खाना पसंद करते हैं।